और इस बीच आपको ये भी बता दें कि दिवाली के दुश्मनों की दिवाली पर अगर आप मिठाई खरीदने जा रहे हैं तो सतर्क रहें, क्योंकि बाजार में मिलावटी मिठाई धड़ल्ले से बिक रही है। मिठाई की मिठास में साजिश की कड़वाहट आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है। देश के अलग अलग शहरों में नकली खोए से बनी मिलावटी मिठाइयां जोर शोर से बेची जा रही है। दीपावली से पहले मिलावटखोरों पर एक्शन, कहीं आप नकली देसी घी तो नहीं खा रहे, कहीं आप मिलावटी मिठाई तो नहीं खा रहे। मिलावटी दूध दही पनीर का काला धंधा, त्योहार में मिलावटी मिठाई से बच के रहना। आज तक ने हाथरस में नकली देसी घी के सौदागरों का चेहरा बेनकाब किया। चंद रुपयों की लालच में मिलावट खोर हमारी और आपकी सेहत से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। हाथरस में देसी घी के काले कारोबारियों के काले धंधे का पर्दाफाश हुआ तो देश भर में प्रशासन की नींद टूटी। अमूल का चाहिए, ठीक है। क्या रेट लगेगा भाई साहब? भैया डब्बा लगेगा आपको 240 रुपए एक किलो का। 240 मिल जाएगा आपको? चाहिए तो है ना, मुझे चाहिए, मिल जाएगा। मिलेगा इसी पैकिंग में, मिलेगा डिब्बी वगैरह में, कुछ नहीं मिलेगा। तीन के डिब्बी में नहीं मिलेगा, जो चीज़ आपके सामने की है वो भी मिलेगा, इसमें मिलेगा। सोचिए, ब्रांड कंपनी के डिब्बे में जो देसी घी आप खरीद रहे थे, असल में वही देसी घी नकली था। ठीक ऐसे ही दीपावली के रंग में भंग डालने के लिए शहर शहर मिलावटखोरों के काले धंधे का पर्दाफाश हुआ है। ये तस्वीरें गोरखपुर की हैं। जिला प्रशासन ने भारी मात्रा में मिलावटी दूध और दही बरामद किया है। तस्वीरें आगरा की हैं। छापेमारी के दौरान देसी घी की फैक्ट्री से सैकड़ों लीटर नकली देसी घी बरामद। दीपावली के त्योहार में मिलावटी खोए की बनी मिठाइयां भी बिक रही हैं। लखनऊ और विदिशा में नकली खोए के काले धंधे का पर्दाफाश हुआ। ये तस्वीरें कन्नौज की हैं। आप देख सकते हैं, यहां तो मिलावटी मिठाई तैयार की जा रही थी। यूपी के बुलंदशहर में नकली पनीर का धंधा करने वाले कारोबारी बेनकाब हुए हैं। वहीं राजस्थान के अलवर जिला प्रशासन ने नकली घी और मिलावटी रसगुल्ले की बड़ी खेप बरामद की है। शहर अलग, लेकिन मिलावट की डराने वाली तस्वीरें एक जैसी। चाहे खोया हो, पनीर हो, मिठाई हो या फिर देसी घी। आज तक ब्यूरो।